जय हिंद। अभी हम लोग सिवान जिले के कर्णपुरा में है और कर्णपुरा में टैगोर पब्लिक स्कूल के प्रांगण में है और टैगोर पब्लिक स्कूल के साथ ही साथ इस क्षेत्र को एक बहुत बड़ा आज शिक्षा के जगत में तोहफा मिलने वाला है। वो तोहफा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उससे पहले जो टैगोर पब्लिक स्कूल के इस कार्यक्रम में रविंद्रनाथ टैगोर जी के जयंती पे जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि है उनसे ही हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर टैगोर पब्लिक स्कूल आज अपने तमाम विद्यार्थियों के साथ साथ क्षेत्रवासियों को क्या तोहफा लेके आ रहा है और वो तोहफा भी दिखाने से का प्रयास करूंगा। उससे सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद सर। टैगोर पब्लिक स्कूल आखिर आज कौन सी वो व्यवस्था देने जा रही है टैगोर पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के साथ साथ तमाम क्षेत्रवासियों को, जिससे शिक्षा जगत में और ज्यादा मतलब बढ़ोतरी हो पाए? यह विद्यालय जो है टैगोर इंटरनेशनल जो है विद्यालय है, यह कंप्यूटर जो लैब लगाया है, यह छात्रों को उन्नत विकास के लिए, पढ़ाई में विकास के लिए और कंप्यूटर जगत में उनको आगे बढ़ने के लिए यह अच्छा कार्यक्रम किया गया है। चलिए, अभिजीत सर हैं जो एक शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और शिक्षा के जगत में माहिर व्यक्ति हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे क्या इन व्यवस्थाओं से शिक्षा जगत में कुछ बेहतर किया जा सकता है। सर सबसे पहले स्वागत है। मेरा नाम अभिजीत प्रकाश है, मैं बीपीएससी शिक्षाविद शिक्षक हूं और हमारे मित्र हैं राजेश जी। और ये रिवॉल्यूशनरी कदम है, कंप्यूटर जो है पार्ट एंड पार्सल ऑफ टुडेज एजुकेशन है और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो मॉडर्न एजुकेशन के प्रेरक थे और आज रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्मदिन पर राजेश जी ने ये सारे विद्यार्थियों को ये तोहफा दिया है। कंप्यूटर आईटी की क्रांति और सारे बच्चे जो है इससे लाभान्वित होंगे, मैं आशा करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आगे बढ़ें और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। चलिए, इस संस्था के जो डायरेक्टर थे उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर टैगोर पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों को शिक्षा मिल ही रहा था, फिर इस व्यवस्था का क्यों आवश्यकता पड़ा? सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद सर। अपने विद्यालय में एक और नई व्यवस्था लेके आए, इस नई व्यवस्था के लिए आपके पास मतलब क्यों जरूरत पड़ा कि इस नई व्यवस्था को लाया जाए? जब हमने देखा कि हमारे बच्चे इस क्षेत्र में कुछ आगे कर सकते हैं तो हमने ये सोचा कि चाहे हम पे आर्थिक रूप से जितना भी जोर पड़े हम उसको उठाएंगे और हम अपने बच्चों के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें और आगे काम कर सकें। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर की चीज़ों को आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद।